बहुत बार अपडेट आया है एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में, बहुत दिनों से जो कि कोई अपडेट नहीं आ रहा था, फ्रेश रिन्यूअल कोई भी स्कीम हो कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था, तो फाइनली जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। ठीक है, तो आज आपको दिखाऊंगा क्या अपडेट आया है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे के अपडेट लिखे लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेती हूँ एक एप्लीकेशन जो कि आपको दिखाती हूँ क्या अपडेट आया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आज ही जो कि अपडेट मिला है। ठीक है, तो कुछ दिनों से जो कि कोई अपडेट नहीं आ रहा था, आप लोग पूछ रहे थे कि अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, तो फाइनली जो कि अपडेट मिल गया है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या अपडेट है। अगर आप फ्रेश अप्लाई किए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ, फ़ोन से दिखा रहा हूँ, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लेती हो, आप यहाँ पर देख सकते हो फाइनली इतना दिन क्या था। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन था। ठीक है, तो ये ईशान उदय फ्रेश एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन था अब तक, जो कि ये फाइनली जो कि फिर से फाइनल वेरीफाइड बाई मिनिस्ट्री आ गया है। ठीक है, अब बस इसको PFMS होना बाकी है, बाकी का जो प्रोसेस है ये अभी जल्दी से PFMS हो जाएगा। नॉर्मली जो कि ये रीवैलिडेशन हर साल आते हैं, ठीक है, एवरी ईयर जो कि रीवैलिडेशन आता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बट यहाँ पर रीवैलिडेशन जो कि ये फाइनल वेरीफाइड में आ गया एप्लीकेशन स्टेटस, तो ये जल्दी PFMS हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई मिनिस्ट्री दिखा रहा है, ईशान उदय का जो फ्रेश बैच था उनके लिए, और रिन्यूअल का जो भी अभी तक PFMS नहीं हुआ वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपडेट, PFMS कब होगा कैसे होगा आपका अपडेट मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर बने रहना, आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।